आज हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन का डीयू में अनुमापन पढ़ेंगे, जिसमें आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में प्रैक्टिकल है। फेरस अमोनियम सल्फेट का हम लोग अनुमापन विधि द्वारा सांद्रता ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। और ये जो उद्देश्य दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है कि फेरस अमोनियम सल्फेट का N/30 प्रमाणिक विलयन भी लिखा जा सकता है या मापक मानक विलयन भी लिखा जा सकता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसे कहते हैं बनाया जाता है बनाओ, और दिए गए K1O4 की सहायता से अज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक फेरस अमोनियम सल्फेट का N/30 का मानक विलयन बनाना, एक तो यही काम हो गया आपका। दूसरा, जो आपके एग्जामिनर हैं वो K1O4 का अपना विलयन बनाकर रखे रहेंगे, जिसको दिया गया है कि दिए गए K1O4 विलयन वो आपके लिए अज्ञात होगा। वो विलयन जो एग्जामिनर दिया रहेगा वो अज्ञात विलयन के नाम से जाना जाएगा, और जो आप बनाओगे वो N/30 का मानक विलयन बनाओ। अब मानक विलयन बनाकर ही इस प्रयोग को किया जाता है। इस प्रयोग में सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब ये होता है इस प्रयोग में कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो रही हैं उसको हम लोग समुचित देखेंगे। K1O4 फेरस, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, H2SO4 डायलूट लिया जाता है जो परिवर्तित होता है पहले पोटेशियम सल्फेट में, मैंगनीज सल्फेट में H2O, और 5 मोल जो ये है ये नवजात ऑक्सीजन मुक्त होता है। इस तरह से जब ऑक्सीजन को दिखाया जाता है तो वह नवजात कहा जाता है। नवजात का अर्थ होता है जैसे नवजात शिशु होता है जो तुरंत पैदा होता है, ठीक इसी तरह से इसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जब एकामिक स्थिति में रहता है, परमाणविक स्थिति में आता है, तो उसे नवजात यानी कि तुरंत वो बना हुआ है। दूसरा चीज, ये फेरस अमोनियम सल्फेट है, ये फेरस अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, इसमें 2 मोल लिया जाता है, 2 मोल रिएक्शन करता है, यही नवजात ऑक्सीजन यहाँ क्रिया करता है, परिणाम स्वरूप फेरिक सल्फेट बनता है, अमोनियम सल्फेट बनता है, ये पानी में बनता है।